गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊंगा। पहला प्रॉब्लम जिसमें कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा और दूसरा जिसमें फिक्स्ड मेथड होगा। ये सामने देखिए फ्लक्चुएटिंग का एग्जाम रखे हैं। रहीम एंड सुदेश दो पार्टनर है जिनके बीच में एग्रीमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, रहीम को 500 रूपया मंथली सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, सुदेश को 1% सेल का कमीशन होगा। रहीम को रेंट मिलेगा 25,000 रूपया क्योंकि वो अपना घर को बिजनेस के लिए दिया है। नेट प्रॉफिट 1,80,000 दिया। यहां देखिए कैपिटल का बैलेंस दिया है, यहां लोन दिया है 1 अक्टूबर का डेट दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ का निकलेगा। और ड्रॉइंग्स का फिर वही बात है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, कोई पीरियड वगैरह नहीं दिया है। और यहां सेल दे दिया जिससे कि कमीशन निकाल सके। बनाना है पीएल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ऐसे कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं और सारा पार्टनर से रिलेटेड एंट्री जिस कैपिटल अकाउंट में आएगा। चलते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा देखते हैं। ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले यहां पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आएगा। वो जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था उससे दो चीज माइनस होगा। अपने वर्किंग करके दिखा देते हैं। करेक्टेड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एज गिवेन, प्रॉफिट दिया हुआ था 1,80,000, इसमें से रेंट जाएगा माइनस में 25,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन था 1,00,000 रूपया और इंटरेस्ट था 10%, 1,10,000 और डेट के हिसाब से 6 मंथ 5,000, तो ये 1,50,000 बच गया। इसी नेट प्रॉफिट से हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यहां जो लिखे थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट देगे 1,50,000। जो नेट प्रॉफिट दिया था उसमें से दो चीज माइनस किया जा सकता है, वन इज रेंट, अनदर इज इंटरेस्ट ऑन लोन, तब आंसर करेक्ट हो गया 150। अब पार्टनर को एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट देना है। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर है रहीम सुदेश, कैपिटल का बैलेंस था 150, 5% 7,500, 140, 5% 7,000, टोटल 14,500। सैलरी देना था रहीम को, टू रहीम सैलरी, सैलरी बोला था 500 पर मंथ तो साल भर का हो जाएगा 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन का काम हो गया। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का कोई पीरियड नहीं बोला है तो इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालेंगे। इंटरेस्ट का रेट है 5%, तो फर्स्ट पार्टनर का 2,000 हो रहा था तो 1,000 लिखेंगे, 1,500 हो रहा है तो 750 लिखेंगे, 1,750। कमीशन देना है सुदेश को, टू सुदेश कमीशन, कमीशन सेल का देना है 1%, सेल इज 7 लाख तो 1% होगा 7,000। सारा आइटम हो गया है, अब इसको इस साइड प्लस करेंगे, यहां लाएंगे, आंसर इज टू शेयर ऑफ प्रॉफिट रहीम सुदेश, इसको प्लस करेंगे 151,750, इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर इज 124,250। अच्छा, रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ना दिया जाए तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेशियो विल बी इक्वली, रेशियो इक्वली कर देंगे 62,125, 62,125। रेशियो नहीं देने से इक्वल,
अब ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस था, बाई बैलेंस बी बाई डी 150,000, 140,000। अच्छा, रेंट देना था, बाई रेंट 25,000 जो रेंट देना था वो रहीम को देना था, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लाते, इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोन के साथ ऐड हो जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 7,000। बाई सैलरी रहीम में 6,000। बाई कमीशन जाएगा सुदेश में 7,000। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा 62,125। अच्छा, ड्रॉइंग का रुपया था 40,000, 30,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट था 1,750 एंड नाउ टू बैलेंस सी बाई डी। दैट बैलेंस सी डी कैसे आएगा, इसको इधर से प्लस करके यहां लाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो प्लस माइनस कर लेते हैं, ये इसको प्लस किए 250,625, इसका 216,125, ये साइड में आया। अब ये माइनस कर दिए तो आया 209,625, 185,375। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का यहां चाहो तो वर्किंग दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए होता है, अगर कुछ बोला हुआ नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करिएगा, तो यहां 5% था और उसको 6 मंथ कर देंगे तो ये 1,000 हो जाएगा। और सुदेश का 30,000 था, 5% 6 मंथ करेंगे 750 होगा, जरूरी नहीं था फिर भी शो कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का रखे हैं सामने, कैसे पहचाने फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। तो पहला पहचान है, सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस देता है, नहीं तो क्वेश्चन में लिखता है, यहां देखिए एज्यूमिंग दैट कैपिटल टू बी फिक्स्ड, इससे पहचान हो जाता है। जो भी हो ये तो कैपिटल बताते वक्त आएगा। प्रीसियस नोबेल एंड परफेक्ट, ये तीन आदमी पार्टनरशिप में इंटर किया, मैंने पैसा बिजनेस चालू किया 60-50-30 से। परफेक्ट लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। ड्रॉइंग देखे यहां एंड ऑफ ईच क्वार्टर में दिया है, 4,000 करके निकाला है। इन ए ईयर 4 क्वार्टर होता है, अगर 4,000 करके कोई निकालता है तो 16,000 ड्रॉइंग हो जाएगा। एंड ऑफ क्वार्टर में अगर ड्रॉइंग किया जाए तो इंटरेस्ट 4.5 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। यहां सैलरी होगा 200-300 करके, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बता दिया, नहीं बताता तो भी हम लोग 6% करते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो डबल दिया है, 70,000 तक इस रेशियो में बांटना है और उसके बाद इक्वली बांटना है। ये प्रॉफिट दिया 1,111, याद रहे इंटरेस्ट ऑन लोन बच जाएगा, उसके बाद सवाल बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक नंबर वर्किंग करते हैं, इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन, उसका लोन का अमाउंट था 10,000, इंटरेस्ट रेट था 6%, पीरियड के हिसाब से 6 मंथ हुआ, दैट इज 300। दो नंबर करेक्टेड नेट प्रॉफिट एज गिवेन 1,11,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन, दैट इज 300,110,700। इसी नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक वर्किंग दिखाई देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहला पार्टनर प्रीसियस, उसका ड्रॉइंग था 4,000 रुपया क्वार्टर, ये हुआ साल भर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, हम जानते हैं एंडिंग ऑफ क्वार्टर निकालने से 4.5 मंथ होता है। दूसरा नोवेल सेम होगा, 4,000 ईयरली ड्रॉइंग, 6% इंटरेस्ट, क्वार्टर एंडिंग है तो 4.5 मंथ, परफेक्ट। 4,000 × 4, 6%, 4.5 मंथ, एक ही का निकाल लेंगे हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, 360 ये वर्किंग कर दिए, सुविधा रहेगा। अब हम लोग यहां क्वेश्चन में फिलअप कर देंगे। ये रहा हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा नेट प्रॉफिट, इसको करेक्ट किए थे 110,700। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका भी वर्किंग कर दिए थे प्रीसियस, नोबेल, परफेक्ट, 360 करके आया था, 360 करके होगा 1080। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज था 6% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रीसियस, नोबेल, परफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 3,600, 3,000, 1,800, इसका समेशन हुआ 8,400। अच्छा, सैलरी था टू पार्टनर सैलरी, सैलरी में दो जन का नाम था प्रीसियस, प्रीसियस और नोवेल। प्रीसियस का सैलरी 200 करके था तो 2,400, 300 करके था 3,600, दैट इज 6,000, और कुछ नहीं था। यहां पे अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीन जन का नाम आएगा प्रीसियस, नोबेल, परफेक्ट। पहले प्रॉफिट को हमको सेकंड कॉलम में लेना होगा, कितना आ रहा है देखना होगा, तो ये हो जाएगा 111780, 111780, रिजल्ट विल बी 97,380। अच्छा, प्रॉफिट बंटवारा में समस्या है, यहां देखिए ये रेशियो देना है 70,000 तक, 70,000 से ज्यादा हो तो इक्वली, तो इसको भी वर्किंग में दिखा देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दे दिए टोटल प्रीसियस, नोबेल, परफेक्ट, फर्स्ट रेशियो है 4:1, 70,000 को बांट देना है, 40,000, 20,000, 10,000, बैलेंस जो बचेगा बैलेंस को इक्वली बांट लेना है। बैलेंस कितना बचेगा, ये था 97,380, तो 27,380 बचेगा, 27,380 को इक्वली बांट देना है 9,127, 9,127, 9,127, एक जन कम दिए एक को बढ़ा दिए, ये हो गया आंसर 49,126, 29,127, 19,127, इसको लाके फिलअप कर देंगे, यहां फिलअप हो जाएगा 49,126,
19127. अब सवाल ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट को बोला था फिक्स्ड है, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो वो बिजनेस स्टार्ट किया था तो बाई बैंक उनका कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल था 60,000, 50,000, 30,000 और कैपिटल में कोई इंट्री नहीं डालेंगे, इसी तरह उसको बैलेंस कर देंगे बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड, सारा इंट्री एक नया अकाउंट में ले जाएंगे, दैट अकाउंट इज करेंट अकाउंट, तो इसका टोटल ले लिए, टोटल लेने के बाद इसको टू बैलेंस सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी 60,000, 50,000, 30,000, कोई इंट्री नहीं आया, सारा इंट्री इस अकाउंट में आएगा करंट अकाउंट। अच्छा करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया कोई बात नहीं है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन था परफेक्ट का, परफेक्ट का इंटरेस्ट आया था 300 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन को यहां नहीं लेके लोन अकाउंट में भी ले सकते थे तो यहां से इग्नोर कर देते, ले लिए यहां पे 3600, 3000, 1800 बाई सैलरी, सैलरी में प्रीसियस का 2400, नोबेल का 3600, इसमें डैश। अच्छा बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 49126, 29127, 19127, टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का तो तीनों में 16,000 था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी फिक्स था 360। आंसर विल बी टू बैलेंस सी वाई डी, इसको इधर प्लस यहां आएगा, ये आंसर होगा। चलते हैं प्लस माइनस करते हैं, ये देखिए इसको प्लस कर लिए, यहां कॉपी किए, इसमें से माइनस कर दिए तो ये आंसर आ गया, ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया, इसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, फिक्स रखा गया। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स रहता है तो सारा एंट्री कैपिटल से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो सारा एंट्री करंट अकाउंट में डालते हैं। एक यहां पर ये चीज को याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहते तो यहां नहीं लेते, तब वो छोड़ देते, पार्टनर्स लोन में ऐड हो जाता, यहां ले सकते हैं करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले लिए, ऐसे करके बना दिए। ये कैपिटल फिक्स्ड मेथड का सवाल हुआ, आपको पसंद आया, समझ में आया, दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, मेरे चैनल 3 एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।